नमस्कार, मैं कौशिक। आज शुक्रवार का दिन है, आज गर्मी भी काफ़ी जोरों पर रहा और चुनावी सरगर्मी भी जोरों पर रहा, क्योंकि आज देश की दो मुख्य पार्टियां महागठबंधन और भाजपा के दोनों के कैंडिडेट बक्सर से नॉमिनेशन के लिए गए, जहां भाजपा के सिटिंग सांसद अश्वनी कुमार चौबे ने नॉमिनेशन कराया, वहीं पर महागठबंधन से राजद के लिए जगदानंद सिंह का भी नॉमिनेशन हुआ, जिसको लेकर के काफ़ी भीड़ रही, लोगों के सर पर चुनावी सरगर्मियां बनी रही, चरम पर रहा चुनावी सरगर्मी और बहुत ही भीड़ रहा, लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। दोनों दलों के समर्थक के उत्साह में गर्मी ने कोई मतलब असर नहीं किया, भीड़ अपने आप में बहुत बढ़ती रही है, बहुत उत्साह भी देखने को मिला। दोनों दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने भी इस सभा में शिरकत किया, नॉमिनेशन में शिरकत किया। जाम से पूरा शहर चरमराता हुआ नजर आया। हाँ, गर्मी शबाब पर है थी, लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि समर्थकों पर गर्मी का कोई असर नहीं दिखा, लोग उतने ही उत्साह के साथ नॉमिनेशन में शामिल रहे। इस दौरान जाम काफी रहा, दोनों दलों के समर्थकों की गाड़ियों का तांता लगा रहा, जाम से पूरा शहर कराहता नजर आया। कहाँ एलबनी? बक्सर। बक्सर में क्या करे एलबनी? नॉमिनेशन। केकर नॉमिनेशन में? अश्वनी चौबे। अश्वनी चौबे के? अश्वनी चौबे के कौन बात के लेकर हुआ लोग चुनल चाहता नहीं, क्या मुद्दा रही हुआ लोग के बक्सर का विकास? काम के लिए अपना, बक्सर में काम के लिए जी। लोग तो कह रहे हैं कि वो बक्सर के लिए कुछ करते ही नहीं। ठीक है, है? ठीक है, नहीं करेगा तो फिर पाँच वर्ष के लिए ना, और पाँच वर्ष तो आपने देख लिया उनको, फिर और पाँच वर्ष के लिए? हाँ, मतलब काम करे चाहे नहीं करे। हाँ, फिर देखेंगे पाँच बरस। कहाँ से आए हुए हैं आप? ग्राम छत्ता बराड़ी। क्या नाम हुआ आपका? गुदन चौधरी जी। कहाँ आए हुए हैं आप? नॉमिनेशन में। किसके नॉमिनेशन में आए हुए हैं? मोदी जी का। यहाँ से तो अश्वनी चौबे, मतलब अश्वनी चौबे का। हाँ, उन्हीं का। तो किस मुद्दे पर बक्सर के लिए आप लोग सांसद चुन रहे हैं? काम के लिए, विकास के लिए। कहाँ से आए हुए हैं? ग्राम छत्ता बड़ारी। नुआ रामगढ़। कहाँ जा रहे हैं आप? रैली में जगदा बाबू के, जगदा बाबू के नॉमिनेशन में। कहाँ से आ रहे हैं? रामगढ़ से आ रहे हैं। रामगढ़ से। किस मुद्दे पर चुन रहे हैं आप लोग जगदा बाबू को? कर्मठी, योग्य, विकास, बक्सर के विकास को लेकर के जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनीष सिंह हुआ, मनीष कुमार सिंह हुआ जी। जी तो मनीष जी, आपको लग रहा है कि जगदा बाबू बक्सर के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, किए भी हैं और आगे भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार सिंह। कहाँ से? हम रामगढ़ से हुए जी। कहाँ आए हुए हैं आप? हम बक्सर में आए हैं। हाँ, किस बात को लेकर? आज आरजेडी का नॉमिनेशन हो रहा है, आरजेडी से जगदानंद सिंह का जी। जी हाँ, उनके तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो क्या चाहत रखते हैं आप, क्या अपेक्षा रखते हैं अपने सांसद से? हम अपने सांसद से अपेक्षा रखते हैं कि हमें जो है हर हाथ को काम मिल जाए, हर नौजवान को नौकरी मिल जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको है। और जो है सांप्रदायिक माहौल ख़त्म हो, आपस का मेलजोल बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबका देश है, सब जो लोग जो है एक साथ मिलजुल मिल करके रहें। हाँ, देश की तरक्की में सबका सहयोग हो, सबका साथ मिले, सबका विकास हो, सबका काम हो। तो लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो देश में एकता कायम होगा? बिल्कुल, उम्मीद तो है। इस उम्मीद के साथ आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी।
क्या नाम हुआ आपका? सईद नाम है मेरा। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम देवहलिया रामगढ़ पंजी विधानसभा रामगढ़। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं मीटिंग में, नॉमिनेशन वाले मीटिंग में। नॉमिनेशन वाले किनके नॉमिनेशन में आए हुए हैं? जगदा बाबू। जगदा बाबू के? हाँ। किस मुद्दे पर जगदा बाबू को चुनना चाह रहे हैं? एकदम बिजलिया बाबा है, सब चीज सुख सुविधा देने वाले हैं। अच्छा, भाजपा लेखा झूठ बोलने वाले नहीं है। अच्छा, भाजपा कोरा झूठ बोलती है। हाँ। वो एकदम सच्चा किसान मजदूर जवान सबके लिए काम करते हैं। उम्मीद है कि वो आपके बक्सर जीतेंगे। लालू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद।